साहित्य के लिए साहित्यकारों के लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं और साहित्य को हिंदी को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी तेजस्वी सम्मान पहुंचते नहीं बोध करता है, पाते हैं जब में प्रशस्ति अपना कर्तव्य। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ प्रोग्राम के और इसके लिए उनको मैं एक बात और बता दूं। अभी आदरणीय गोस्वामी जी ने कहा कि पुस्तक खरीद के पढ़िए, तो ये पुस्तक यहाँ पर ग्रह के लिए उपलब्ध है और डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो यदि आप लोगों में से कोई लेना चाहता है तो उसको ये सुनना है। और एक बात कहने से मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूँ कि आपने आदरणीय गोस्वामी जी के वक्तव्य को सुना, लेकिन इस पुस्तक का जो शुरू में 15 पेज उन्होंने उनके हस्त लिखे जिसमें प्रकाशित हुए हैं, इतनी सुंदर मोती जैसे अक्षर लिखे हैं कि इसको देख के जो है इतनी सुंदर उसमें जो लिखा गया है कि मैं दिखाया बिना मेरा मन नहीं माना। तो बहुत सुंदर है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई हो साथ। हमारे विदुषी बहन पद्मश्री डॉक्टर विद्यारंजन सिंह जी आज के समारोह के विद्वान पर तुषार के कर्ण पुस्तक के लेखक आदरणीय राजेश कुमार भंडागर सजन जी और उसके डॉक्टर राजेश कुमार भंडागर सजन को इतनी सुंदर तुषार के कण की रचना के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। डॉक्टर भंडागर जी की इस कवि का लोकार्पण आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी रचनाओं की सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखा समझाया और उसकी सेवा सत्कार की और तब वो जीवित हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद वो सेवा करती रही। तो आश्रम में भेजने का क्या था? एक पिता 5-6 बच्चे और उसकी बेटी का सबका खर्चा खो लेता। कई लोगों के तो बहुत तो दुनिया सोच रही है कि भाई दो ही बच्चे हों या एक ही बच्चा हो, हम तो हमारे दूरी का चाल था, फिर वह हम एक हमारा हम तो हमारा एक लेकिन ये जो संख्या कम करना चाहते हैं वो हम अपनी सुविधा के लिए कम करना चाहते हैं, लेकिन अगर संख्या ज्यादा है तो मान संस्कार उसने अगर अच्छे दिए हैं, माँ का संस्कार कैसे पता लगेगा? वो कभी बहु रही हो, अपने सास के साथ उसके कैसे संबंध है? तो इन बच्चों के दिमाग में ये बात आती है